है तो यूज तो करने से। और ठंड लग रही है मुझे भी आप लोगों की साइड तो नहीं लग रही होगी। बाकी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज की जर्नी, मतलब सोच रहे हैं करने की, अभी कर नहीं रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, सुबह से बरसात हो रही है सुबह से। और ये हमारे तीनों भाई रेडी होने के लिए तैयार हैं। हम लोग सोए कहाँ पे थे, धरना जहाँ देते हैं। सब लोग अपना अपना पैकिंग वैकिंग कर रहा है, उसके बाद हम निकलेंगे रात को। यहाँ पे ये लोग मतलब भैया लोगों ने अपना वो बनाया था, चाय वाय बनाया था मुझे, मतलब गैस वैस लेकर ये लोग चलते हैं। ये सिस्टम आप लोग का काफ़ी सही है, गैस वैस लेकर चलना। और ये भी सही है यार, तीन लोग आपस में मिलजुल के मतलब मस्त घूमते हैं तो सही लगता है। लेकिन हमें लोन बोल, हमें अकेले ही ट्रैवलिंग पसंद है। सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है ट्रैवल करने का। बाकी आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो सामने बादल देख रहे हो, ये बादल है, बादल के ऊपर हमें वो वाला गाना नहीं है, बादल पे पाँव है उसके आगे गाना नहीं आता, क्या करें हम भाई। नीचे देखो क्या खतरनाक लग रहा है। तो अभी आज का प्लान ये है कि यहाँ पे हम लोग कुछ घूमेंगे वूमेंगे, उसके बाद फिर कहीं कहीं ट्रैवल वेवल करने जाएंगे, और ट्रैवल वेवल करने के बाद फिर सोच रहे हैं कि आज टेंट लगा के एक ही जगह पर रुकेंगे। यहाँ पे एक जगह है जो उसको स्विट्जरलैंड कहते हैं यहाँ का, तो वहाँ जाएंगे घूमने के लिए और फिर देखते हैं क्या करना है। और भाई लोग आज खरीदने वाले हैं स्लीपिंग बैग वैग। चलो थैंक यू भैया को, सब्सक्राइब करो तीनों लोगों को, मुझे भी करो, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मुझे भी सब्सक्राइबर की भूख है। यूट्यूबर किसके लिए भूखा होता है, या तो व्यूज़ या तो सब्सक्राइबर, और उसको खाने की भूख नहीं होती। कल रात वो तीनों पाँच चारों ने खाना नहीं खाया, लेकिन व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, वीडियो अपलोड हो गई। हाँ चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओ कैसे हो आप लोग, तो नीचे बैठा हुआ था हम लोग, और जैसे ही बैठे ऐसा मन किया कि कुछ खाने चलते हैं, तो फिर मैंने कहा चलते हैं ऊपर कुछ खा के आते हैं। तो वही जगह जहाँ पे हम रात को आए थे। अच्छा ऐसा होता है जब रात को जहाँ पे जाओ और दोबारा वहाँ जाओ तो फेमिलियर लगने लगता है, और थोड़ी भी जगह ऐसी होती है जहाँ पे एक बार जाकर दोबारा जाओ वो लगता है घर घर आ गए। तो वहाँ आए हम लोग खाने के लिए, परांठे खा रहे हैं हम चारों लोग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी जनरल भाई, गुड मॉर्निंग। और ये जो हमें बना कर दे रही हैं सिस्टर कम मदर वो रही दीदी। हाय हाय भैया, मैंने आपको बोला, मैंने भैया दीदी को बोला जो हमें ये बना कर दे रही है सिस्टर कम मदर। अब उनके पास खाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे हमें बाजार के लिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। और ये देखो क्लैश ऑफ क्लैन, हेलो, व्हाट्स योर नेम? नदीम। क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहे हो ना? हाँ, यहाँ पे काफ़ी क्रेज है इधर, मैंने देखा। पहले हम लोग जैसे मिनी मिलिशिया नहीं खेलते थे, वैसे इधर क्लैश ऑफ क्लैन का मिनी मिलिशिया खेला खेला ना, मजे आते थे यार, पहले क्या गजब लगता था। चलो खाते हैं तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। भाई खाना वाना खा के निकले हम लोग तीनों लोग वो करने के लिए, मतलब आगे का जो व्यू पॉइंट है वो वहाँ जाने के लिए। और यहाँ पे का एक नज़ारा दिखाया है, बहुत ही गजब लग रहा है, देखो आप लोग व्यू देखो, मतलब वो जो घर है ना उधर के, उधर पे दिखाता हूँ, इधर तो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा कि जो वो घर आ रहा है ना, एकदम पहाड़ आ रहे हैं, मतलब देख कर लग रहा है कि आए हो कहीं घूमने के लिए, इतना मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो वो वर्थ इट है। दार्जिलिंग आके आज लगा कि वर्थ इट हुआ पूरा घूमना, जितना भी हम लोगों ने अभी तक घूमा है, जितना भी अभी तक हम लोगों ने ट्रैवल किया है, अलग ही लग रहा है। ये लौंडे भी यहाँ पे लगे हुए हैं अपना अपना ब्लॉगिंग करने में, एक लौंडा लगा हुआ है चिल्लाने में, ऐसे ऐसे अंग्रेजी नहीं बोलता भाई ये, अभी अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग साकालाके बूम बूम, साकालाके बूम बूम, भाई जो है अपने मन में जो बस निकाल दो, क्या लग रहा है ना। आज हम सोच रहे हैं उधर कैंपिंग करने का, जो शिमला का जो व्यू आपने देखना होगा उससे अलग ही हटके कुछ गाइस, बहुत ही हटके गाइस, और जो हमें दिख रहा है ऐसा लग रहा है दिल को खुश कर दे इस चीज को देख के, नजर हट ला रहा है ये, नजर हट नहीं रही गाइस, बस गाइस 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 साकालाके बूम बूम, क्यों आराम से दोस्ती यार, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? बट यार वो जो जो हमारा जो वो है ना एनर्जी, और जो चीज बोल रहा है जी, कर बस रुकने का मन नहीं कर रहा, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, बस वो वाली फीलिंग आ रही है इसमें, लौंडा एकदम जोश में आ गया है ये, लेकिन व्यू देख के रियली बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है यहां आता है गाइस अपने आप ही निकल जाता है, लग रहा है आप कहीं आए हो। अभी हम जा रहे हैं एक व्यू पॉइंट पे, और रात को यहां पे कैंपिंग वैम्पिंग करने का सोच रहे हैं, देखते हैं क्या करना है, वह ऊपर चलेंगे, मेरा ही बना रहे होगा, ये लो सही है, चलते हैं आगे बकचोदी करते हैं, लेकिन लगा कि हाँ कहीं है कोई जगह। अरे देखो हमारे भैया उनका पेट, ये क्यों पेट बहुत है, अभी बहुत अंदर हो चुका है, मैं अभी अंदर करने का तरीका बताऊं, पेट खींचो,
देखो चेस्ट निकल आया ना, ये देखो निप्पल भी आ रहा है। ओ भाई भाई निप्पल निकाल रहे और ये अपना भाई प्रशांत और एक संग चार चार ब्लॉगर चारों ब्लॉगिंग कर रहे हैं एकदम बकचोद लग चूती है लग रहे चारों के चारों। चलते हैं आगे अब हम लोग देखने के लिए। भाई कैमरा रहता ना अगर वो 60D 50D जो कहते हैं जूम करके करते हैं एकदम फट जाती, इतनी इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, लगा कि हाँ वर्थ इट है आना। चलो ऊपर चलते, पूरा दार्जिलिंग समझ लो आप यही है। भाई स्कूल समझते हो क्या होता है, ये होता है एक साला अपने यहाँ के स्कूल है ऐसे छोटे छोटे कि देख के दिमाग खराब हो जाता है। एक यहाँ के स्कूल भाई अभी तक जितने भी स्कूल और कॉलेज मैंने यहाँ के देखे मतलब देख के एकदम दिल खुश हो जा रहा है, इतने प्यारे प्यारे स्कूल है। और एक हमारे यहाँ पे स्कूल बनते हैं ऐसे जैसा लगता है कि मतलब ज़बरदस्ती का स्कूल बनाया उन लोगों ने। ये देखो एक बार आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में इंडिया का कोई स्कूल है, मतलब फॉरेन का कोई स्कूल एकदम बमचिक वाला हॉगवर्ट्स टाइप लग रहा है, हैरी पॉटर का कूल एकदम। नॉर्थ पॉइंट स्कूल नाम है इसका, लेकिन बहुत ही कूल है, बहुत ही कूल। चलो चलते हैं आगे। और ये देखो कोर्ट है इनका, फुटबॉल वुटबॉल हॉकी हॉकी का, यहाँ पे फुटबॉल काफ़ी मतलब प्रेफर करते हैं लोग खेलना एज कम्पेयर टू क्रिकेट। बाकी मज़े आ रहे हैं, लग रहा है कि है कुछ। और इस सामने रोपवे है, वो देखो आप जो दिख रहे हैं आपको वो है रोपवे। तो उसमें हम लोग जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वो औकात के बाहर है अभी फ़िलहाल के लिए, जब होगा तो देखेंगे। बच्चे पढ़ रहे होंगे यार, कितना बढ़िया लगता है ना स्कूल। जब स्कूल में थे तो अच्छा नहीं लगता था स्कूल, लेकिन अब स्कूल बहुत अच्छा लगता है। अभी रोपवे देखते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई रॉक क्लाइंबिंग वाइम्बिंग का कुछ है वहाँ जाएंगे और फिर वापस जाएंगे हम मॉल रोड चौरस्ता और फिर कल निकल जाऊंगा मैं सिक्किम के लिए। यहाँ के घर बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे, और ज़्यादातर यहाँ पे जो घर बने ना वो टीन के बने, टीन का शेड है वो टीन का बना होता है। ओम मंदिर के बगल में बैठे हुए हैं हम लोग, थोड़ी दूर चल के आए थे रोपवे से, थोड़ी दूर चल के आए थे एक रॉक क्लाइंबिंग देखने के लिए, मतलब रॉक देखने के लिए जहाँ पे लोग क्लाइंब करते हैं, इट मीन्स रॉक क्लाइंबिंग। तो एक पहाड़ तो उधर है, वहाँ से लोग नीचे जाते हैं, वो वाला जो आपको दिख रहा होगा बहुत झटके में किया था एकदम पूरा वाइट हो गया था ना। और एक पहाड़ ये है ऊपर जाते हैं, वो देखो वहाँ पे लिखा भी है कम बैक कॉम्ब्यू रॉक, कॉम्ब्यू रॉक पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गॉम्ब्यू रॉक, गॉम्ब्यू रॉक आई थिंक गॉम्ब्यू रॉक है। और ऊपर 8 लिखा हुआ है, वहाँ पे स्ट्रिंग भी लगा हुआ है ऊपर जाने के लिए, काफी खतरनाक लग रहा है देखकर। और ये हमारे तीन गांधी जी के तीन हीरो बंदर हैं, एक दो तीन, तीनों लोग मस्त मजे से चारों लोग ट्रेवल कर रहे हैं। एक चीज मैंने नोटिस किया है जब आप पहाड़ों में घूमते हो ना, अभी देखो हमने अपना बैग वहाँ टांगा हुआ है, भैया ने टांगा है मनु भैया ने, और आराम से यहाँ पे खड़े हैं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की पहाड़ों में लोग बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, आप चाहे हिमाचल के पहाड़ों में जाओ, उत्तराखंड के पहाड़ों में जाओ, इधर के पहाड़ों में आओ, कहीं के भी पहाड़ों, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा साफ दिल के होते हैं, ऐसा कह सकते हो आप। मतलब उनके उनसे बात करने में उनसे वो करने में ना बड़ा अच्छा लगता है भैया, पहाड़ों के लोगों में कितना बढ़िया लगता है लोगों का इंटरेक्ट करना, बड़ा अच्छा लगता है। चलो अभी इन लोगों से भी बातें बातें हो रही हैं। अरे यहाँ का कुत्ते यार ऐसा लगता है जर्मन शेफर्ड के, और उनके भाई हैं, गजब लगते हैं। देखो ये लग रहा है पमेलियन है, बड़ा पमेलियन, अजीब ही यहाँ के कुत्ते लगते हैं। चलो चलते हैं अभी आगे, बहुत ज्यादा। वहाँ देखो सामने बादल बादल वादल आ रहा है, इधर साफ अभी आया ये बादल। चलो चलते हैं भाई, इस पे चढ़ने की सोच रहा हूँ। और ये देखो नीचे ऊपर बकचोदी करने की सोच रहा हूँ, आज भैया खड़े हैं, अब उनको मैंने देख लिया, मेरे मन में कब से आ रहा ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, अब जाना कहते यही नहीं पता, पूछता हूँ उनसे। सकते हैं ऊपर आ सकता हूँ भैया, शायद जा सकते हैं, देखता हूँ कैसे जाते हैं, ऊपर चलते हैं। हम लोगों को घर की सफाई करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे देखो कितने डेयरिंग लोग हैं। अभी हमारे दो भाई हैं शायद यहाँ से लोकल ही हैं, ये लोग ऊपर से नीचे उतरने जा रहे हैं ये सफाई करने के लिए। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है, आप देखो ध्यान से, देखा
इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पहाड़ी इलाकों में जाओ तो कूड़ा मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ। कितना खतरनाक काम करने जा रहे हैं ये लोग, अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो ये लोग गिर सकते हैं नीचे। देखो अभी ये लोग उतरेंगे और जब उतरेंगे तो दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि नीचे भाई लोग उतरेंगे, ये हमारे भाई। आपका नाम क्या बड़े भाई? जेलसेन। जेलसेन, ये वो नीचे उतरने जा रहे हैं सफाई के लिए। ये गंदगी जो लोगों ने की है वही करोगे ना साफ आप? मतलब दूसरों की गंदगी बेचारे ये लोग साफ करते हैं, कितना डेंजर काम है। जेलसेन नाम है ना भैया का? जेलसेन, जेलसेन नाम है भैया। और हिम्मत ही काम है ना, हिम्मत चाहिए सब चीज़ों के लिए। देखो रस्सी थोड़ा टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ से? और तो टूट रहा है रस्सी, देखो ना वहाँ से वो नहीं टूटेगा। अच्छा तो कर लेगा फिर भी कि हमारी लाइफ शो हो जाए पूरा। चेक करो एक बार, नहीं यार, नहीं 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 अच्छा यार, आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। हाँ, वहाँ वीडियो बना नहीं, हम तो ऐसे अपना बना लेते टाइम पर कुछ चैन नहीं बनाने के लिए। आज आप चेक कर लो एक बार, बोले बोलो दिख रहा है, दिख रहा है ये रोप बहुत स्ट्रांग होते हैं भाई। ये भैया इतने साफ कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन बाद यहाँ पे माउंट क्लाइडिंग है, कहते हैं माउंट क्लाइंबिंग होगी। यहाँ पे सिखाई है मतलब काफ़ी लोगों को एक महीने के लिए माउंट चढ़ना, सफाई से थोड़ी है सफाई करके मानेंगे भैया। देखा, अगर मतलब जरा सा भी एक कदम भी इधर उधर होता है तो गिरेंगे सटाक और पूरा सीधा सर फटेगा, बम ख़त्म कहानी, ज़िंदगी ख़त्म। अगर हल्का सा भी कुछ होता है तो चलो आप चलते हैं आगे यहाँ से, आगे की तरफ, क्योंकि आज कैंपिंग भी करना है तो चिकन भी मतलब कुछ ख़रीदना होगा हम लोगों को खाना वाना बनाने के लिए। तो ऊपर भी एक दादा चढ़ के काम कर रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग, कुछ ज़्यादा ही व्लॉगर हो गए यार। यहाँ पे एक दो व्लॉगर होते समझ में आता है, यहाँ पे व्लॉगर ही व्लॉगर दिख रहे हैं। मतलब ट्रैवलर कम दिख रहे हैं, व्लॉगर ज़्यादा दिख रहे हैं। जो निकल रहा है वो व्लॉगिंग ही कर रहा है। वो देखो, एक दो, ये देखो तीन, वहाँ वो लौंडा है चार। व्लॉगर ज़्यादा दिख रहे हैं और ट्रैवलर कम दिख रहे हैं भाई। लेकिन मैं ट्रैवलर हूँ क्योंकि मैं पहले एक्सपीरियंस करता हूँ चीज़ों को, उसके बाद घूमता हूँ। ये लोग पहले घूम रहे हैं, सिर्फ घूमने ही आए, मतलब व्लॉग ही करने आए हैं। मैटर ये फंस रहा है। मैं देखी थी फिर वहाँ रुक के कैम्प में, सुबह तो ऊपर आता ना वापस, है ना? अलग ही व्यू आ रहा है, बस कैमरे का मतलब जूम नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अगर जूम होता ना तो मतलब व्यू आप लोग सोच नहीं सकते जो मुझे यहाँ से दिख रहा है। जितना भी आज अभी तक आप लोगों ने अपने फोटोज़ में रील्स में देखा है वो सारा व्यू यहाँ पे दिख रहा है। फाड़ एकदम फाड़ जगह है बस कैमरे से, मतलब गोप्रो अच्छा है, ऐसा नहीं है गोप्रो अच्छा नहीं है, लेकिन बस कैमरे से मार खा रहा हूँ जूमिंग के लिए। तगड़ा तगड़ी जगह लग रही है पूरा, जो बहुत प्यारा लग रहा है। करो रूम होता है लेकिन उतना नहीं होता, वो रूम मज़ा नहीं आता करने के लिए। अब इन्हीं लोग के संग सुबह से घूम रहा हूँ, अब बस आ जाओ, कल से हम अकेले, ये अकेले मतलब ये तीन लोग। चलो देखते हैं अभी यहाँ से, मैं सोच रहा हूँ मॉल रोड जाऊँ और फिर मॉल रोड से देखते हैं चौरस्ता वस्ता घूमता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। आराम से चिल देखा, चिल पिल ब्रो। क्योंकि कल निकलना है सिक्किम और मेरा मोबाइल वोबाइल कुछ भी चार्ज नहीं है, और ना ही गोप्रो का, गोप्रो की एक बैटरी चार्ज है, एक बैटरी चार्ज नहीं है। देखते हैं क्या करना है, अभी कुछ परेशान मत हो, आराम से। दो ही दिन का साथ था इनका, मेरा दोस्ती ख़त्म। अब ये जा रहे हैं अलग और मैं जा रहा हूँ अलग। बाय बाय, फिर मिलेंगे। कहाँ कहाँ जा रहे हो आप लोग? आसाम से किधर निकलोगे? आसाम से किधर निकलोगे? चलो कॉल करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल करना, अफसोस जता दूंगा। अब यहाँ से ये लोग जाएंगे आसाम की तरफ और मैं निकलूँगा चौरस्ता। मैं यार यहाँ रुकूँगा, आराम से घूमूंगा। इन लोग का ट्रैवलिंग का तरीका एकदम अलग है, मेरा ट्रैवलिंग का तरीका एकदम अलग है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा लोग घूम कैसे रहे हैं। कल पूरा दिन एकदम बकवास गया, आज का पूरा दिन बकवास जाने वाला था। और मैं भाई किसी के साथ नहीं घूम सकता,
मैं हूँ ही नहीं मैं वैसा। इन लोगों का तरीका एकदम अलग है, मेरा तरीका एकदम अलग है। चलो बाय 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 बाय।